भारतीय राजनीति की वो बुलंद आवाज जो अपने तेज तरार भाषणों के लिए या फिर विदेश में फंसे हुए भारतीयों को एक उम्मीद के रूप में नजर आती थी, सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री के रूप में जिनको देखा जाता था। तेज तराज भाषण हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उदार हृदय, विशाल हृदय वाले, और मुझ जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज विश्वास ही नहीं होता हम सबके बीच में नहीं। उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रहे, हम बहुत दुखी थे, शब्द नहीं मेरे पास। सुषमा जी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया, एक नेता, एक प्रशासक, एक प्रखर सांसद, एक अलौकिक वक्ता, हर जगह सीखते थे, आज मेरे पास शब्द नहीं है। सुषमा जी के अचानक निधन पर बहुत ही शॉक लगा है, कभी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। मैं 1977-78 से उनको जानता था, जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, चाहे वो सदन के बाहर मिले हैं या सदन के अंदर। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो। तो मैं यही कह सकता हूं कि राजनीति अपनी अपनी जगह, लेकिन आज हमने एक बहन खो दी। आदरणीय सुषमा जी हम सबके बीच में नहीं रही हैं। यह दुखद घड़ी न ही सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि तमाम देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। वो हम सबको प्रेरणा देती रहीं और किस तरीके से राष्ट्र के हित में राजनीति में हम अपना योगदान कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने हमेशा स्पष्ट रूप से आगे रखने का प्रयास किया। आज उनका जो अंतिम ट्वीट है वह भी हम सबको बताता है कि किस तरीके से भावनात्मक रूप से वह देश की सेवा में जुटी रहीं। निधन पर हमारी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी दुख है। जब वो निधन का समाचार मिला और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अपनी पार्टी के प्रति जो बड़ी ईमानदार समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी, और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था। किसी से वो, चाहे वो अपोजिशन के लोगों, सबके साथ वो मिक्स होकर रहती थी। और तथ्यों के आधार पर मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमारी पार्टी को बड़ा दुख है। ऐसे दुख की घड़ी में कुदरत से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस दुख को
सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। सुषमा जी भारतीय राजनीति में ऐसी एक महिला थी कि उन्होंने चाल चलन व्यवहार और चरित्र से एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमा भारतीय राजनीति में दी। विशेष रूप से इमरजेंसी के बाद उनका राजनीतिक उदय हुआ और उसके बाद में वो लगातार उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो एक बड़े बहन के रूप में लगातार मुझे मार्गदर्शन करती थी, मेरी चिंता करती थी। पूरे परिवार को मेरी तरफ से संवेदना भी देना चाहूँगा। भगवान ईश्वर करे कि उनको सभी को शक्ति दे। मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा योगदान जो वर्षों तक लोग याद रखेंगे, देश की जनता याद रखेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हर मूल भारतवासी याद रखेगा, वो ये था कि चाहे एक व्यक्ति हो या बड़ी संख्या में भारतवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आए तो दीदी स्वयं चिंता करती थी, रात रात भर बैठ के चाहे एक नर्स को लौटने की।